हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज। दोस्तों, आज हम फिर बात करने वाले हैं एक नए तरीके के फ्रॉड के बारे में, जिसको अगर एक नजरिए से देखा जाए अगर तो इसको हम सिर्फ सिम स्वाइप के नाम से भी जानते हैं। ये कभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये एक नया तरह का फ्रॉड सामने निकल के आया है, जो कि है कि दिल्ली के एक शख्स हैं जो कि एक बिजनेसमैन है या फिर कोई प्राइवेट ऐसा कोई काम करते हैं जिसकी इनकम अच्छी खासी थी, और वो अपने खाते से कुछ ज्यादा ही ट्रांजेक्शन लेन देन करते थे, जिसमें एक बड़ा अमाउंट का भी लेन देन उन्होंने हमेशा करते रहे होंगे, जिसमें एक RTGS या फिर IMPS जो भी हो जिस माध्यमों से भी पैसा का लेन देन करते थे, वो एक टाइम लिमिट या फिर उसकी पीरियड के अनुसार निर्धारित की जाती है कि आप कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि जिस भी फ्रॉड या फिर जिस भी स्कैमर ने या सिम स्वाइपर ने यह काम किया है उसके लिए ये अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति का वो पैसा उसने फ्रॉड से उड़ाया है उसने ऑलरेडी अपने अकाउंट से कुछ बड़े अमाउंट ट्रांसफर किए थे, इसलिए उसकी लिमिट उसने बढ़वाई होगी या फिर किसी और भी वजह से भी किन्हीं कारणों से ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन या फिर RTGS या फिर IMPS वाली बातें मायने नहीं रखती है। यहाँ मायने रखती है कि यह तरीका जो था कुछ यूनिक था, जिसमें बिना कोई OTP शेयर के या फिर किसी भी तरह के नए तरीके का इस्तेमाल किया गया है, और किस तरह का तरीका इस्तेमाल किया गया अभी भी यह कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अभी तक हम किसी सही नतीजे पर नहीं पहुँच पाए हैं कि ऐसा कैसे किया गया, जिसमें आपको बताया जा रहा है और पीड़ित व्यक्ति की तरफ से अभी पीड़ित जो शख्स हैं उनके हिसाब से ये बताया गया है कि उनको कई दिनों कुछ रोज पहले उनको शाम को दिन भर में लगातार कॉल कुछ आ रही थी, जिसमें मिस्ड कॉल आ रही थी। कई बार उन्होंने कॉल रिसीव भी किया जो कि अननोन कॉल थी, तो उन्होंने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया और उन्होंने फ़ोन काट दिया। और कई बार उन्होंने कॉल रिसीव करने के बाद भी जब उधर से कोई भी क्वेश्चन या आंसर नहीं हुए या फिर कोई किसी व्यक्ति से कोई मतलब जांच या बात नहीं हो पाई, तो उसके अनुसार उन्होंने उस फोन को अननोन फोन कॉल समझ के काट दिया होगा। और रही बात उसके बाद जैसे उनको 2-3-4-5-15 लगभग कई बार उनके पास उस नंबर से मिस कॉल आते रहे, लेकिन उनको जब तक ये समझ में आता जब फोन मिस कॉल आने बंद हुई तो उसके बाद उनके पास डायरेक्ट SMS आने लगे। उन SMS में बड़ा बड़ा अमाउंट यानी लगभग आधे करोड़ रुपए यानी 50 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन की मैसेज उनके पास पहुंच चुके थे। और यह तरीका आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई एक बार भी 50 लाख रुपए ट्रांसफर नहीं हुए, जब बाद में पुलिस वालों ने या फिर जैसे उन्होंने कंप्लेन किया हमने नजदीकी थाना पे या फिर जिस माध्यम से उन्होंने कंप्लेन किया है, अभी पूरी डिटेल जानकारी हमारे पास भी नहीं है, जैसे इस पर और कुछ अपडेट आते हैं न्यूज़ पे या फिर और कुछ जानकारी हमको मिलती है तो वो भी मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी जितनी जानकारी मिल पाई है वही है कि जब जिस व्यक्ति ने अपने यहाँ कंप्लेन करने के बाद जब इसके बारे में जानकारी ली गई या फिर पुलिस वालों ने फिर जिस माध्यम से इनको कंप्लेन पर कार्रवाई की जा रही है उसके अनुसार ये समझ में आ रहा है कि अगर हो सकता है बाय डिफॉल्ट ये भी जामताड़ा के ही लोकेशन से ये फ्रॉड किए गए हों, क्योंकि जब जितने भी अब तक के फ्रॉड के मामले आते हैं सामने हर बार एक नया शख्स और एक नई तरीके और एक नई लोकेशन मिलती है, लेकिन हर बार एक चीज़ जो सिमिलर होती है वो सिमिलर चीज़ होती है कि वो सारे फ्रॉड जो हैं आपको जामताड़ा के लोकेशन से ही किए हुए मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी इसके ऊपर जांच चल रही है, लेकिन यह बहुत सोचने वाली बात है, बहुत दिलचस्प बात है कि बिना किसी OTP के इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कैसे हो गया। यह एक नज़र में देखने में सिम स्वाइप या फिर जिसमें एक ही नंबर के दो सिम बना के उस पर OTP उठा के या फिर उस पर अमाउंट ट्रांसफर करके RTGS या फिर IMPS या किस भी मामले से पैसा खाते से उड़ा लिया गया है। दोस्तों, इन सब बातों में एक बात सामने आई है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको कॉल आने पर अगर आपको इसमें से आप OTP शेयर करने से बच रहे हैं, OTP शेयर नहीं कर रहे हैं उसके बाद आपके कोई खाते से पैसा नहीं उड़ा सकता है, तो इस जानकारी के बाद थोड़ा आपको भी सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन अभी इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है कि किस प्रकार इस तरह से फ्रॉड किया गया है। अगर इसके बारे में मुझे कोई और डिटेल जानकारी मिलती है तो मैं कोशिश करूंगा आपको जरूर अपडेट करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बैंकिंग ATM फ्रॉड संबंधित और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, और वीडियो डिस्क्रिप्शन फ्रॉड से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं जिससे आप भविष्य में होने वाले आपके फ्रॉड से बच सके तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट करके उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आपको वीडियो ज्यादा पसंद आई हो जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और जैसे इसके बारे में और कुछ जानकारी मिलती है तो मैं आपको जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज के लिए नमस्ते। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने, बहुत तकलीफ होती है।